खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। 14 साल का एक नौजवान जो कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन सपने आसमान से ऊंचे थे, ऐसा ये लड़का अपने गांव से भागकर बंबई आता है। होटल में वेटर का काम करता है, रात को होटल में ही सो जाता है, काम करते करते अपनी शिक्षा पूरी करता है। डाइट मेंटेन करने के या जिम जाने के पैसे नहीं थे, फिर भी पहलवानों की तरह बॉडी बनाता है। इसे मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिलती है और होटल में काम करने वाला ये वेटर मुंबई पुलिस का सबसे कामयाब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है। इस लड़के का नाम दया नायक। अगर ख्वाब बड़े हो, हौसले बुलंद हो और मेहनत करने की तैयारी हो, तो इंसान फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच जाता है, इसकी जिंदा मिसाल है दया नायक का जीवन। दया नायक के जीवन में उन्होंने करीब करीब 83 एनकाउंटर्स यानी कि 83 एनकाउंटर्स किए और कई खूंखार अंडरवर्ल्ड के गुंडों को मार गिराया। विनोद मटकर, रशिक डब्बा और सादिक कालिया जैसे कई खूंखार गुनेगार उनके हाथों मारे गए। अपने करियर में इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी उन्हें करीब करीब 3 बार सस्पेंड किया गया। उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए जो कभी साबित नहीं हो पाए और आखिरकार उन्हें वापस सर्विस में लिया गया। अब तक 56 और डिपार्टमेंट जैसी फिल्में भी दया नायक के जीवन के ऊपर बनी हुई है। कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के यन्ने होल नाम के एक छोटे गांव में दया नायक का जन्म हुआ। उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। जैसे जैसे दया बड़ा होता गया, उसके सपने भी आसमान चूमने लगे। उसे भी यही लगता था कि दूसरे हजारों लोगों की तरह वो भी अगर ख्वाबों की नगरी मुंबई के अंदर चला जाएगा तो उसका भी नसीब बदल जाएगा। बचपन से ही दया नायक को खाकी वर्दी का बड़ा अट्रैक्शन था। एक दिन हिम्मत करके वो अपने घर से भाग निकला और 1979 में वो मुंबई पहुंच गया। उन दिनों मुंबई के अंदर उडुपी से आए हुए कई अन्ना लोगों के होटल्स थे। उन्हीं में से किसी एक होटल के अंदर दया ने काम करना शुरू कर दिया। होटल में काम करते करते उसने मुंबई के डीएन नगर के सीईएस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। दिन भर होटल में काम करके फिर रात को देर रात तक पढ़ाई करके वो होटल के फर्श पे ही सो जाता था। सुबह जल्दी उठकर शुरू होती थी दया की कसरत। उसे मुंबई पुलिस में भर्ती होना था, यही ख्वाब लेके वो रोज सुबह कसरत करता और देखते ही देखते उसकी पहलवानों जैसी बॉडी बन गई। ग्रेजुएशन के बाद एक प्राइवेट कंपनी के अंदर दया को सुपरवाइजर की नौकरी मिली, लेकिन उसके साथ साथ उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पीएसआई की एग्जाम्स देना भी शुरू किया था। और फाइनली 1995 में दया नायक का सिलेक्शन हो गया। पीएसआई की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सबसे पहली पोस्टिंग दया नायक को दी गई जुहू पुलिस स्टेशन। पुलिस बनने का ख्वाब तो पूरा हो चुका था, लेकिन अब वो काफी नहीं था। अपने हुनर को साबित करने का मौका दया नायक ढूंढ रहा था और अगले ही साल उसे वो मौका मिला। उन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड से जूझ रही थी। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को खत्म करने की ठान ली थी। मुंबई पुलिस में अलग अलग डिटेक्शन सेल्स बनाए गए थे और आए दिनों एनकाउंटर हो रहे थे। डी कंपनी, अमर नाइक गैंग, अरुण गवली गैंग और बाकी सारे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के गुंडों को आए दिन मारा जा रहा था। 31 दिसंबर 1996 को दया नायक को छोटा राजन के 2 गुंडों की टिप मिली थी। जब उसका उन दोनों गुंडों से सामना हुआ, तब दोनों ने दया नायक के ऊपर फायरिंग की। जवाब में दया नायक ने जो फायरिंग की, उसके अंदर दोनों गुंडों की जान चली गई। इस एक घटना ने दया नायक का नाम मुंबई पुलिस के आला अफसरों तक पहुंचा दिया था। जल्द ही उसे एक डिटेक्शन यूनिट के अंदर शामिल किया गया। डिटेक्शन यूनिट के अंदर दया नायक के मेंटोर थे प्रदीप शर्मा। हाँ जी, ये यही प्रदीप शर्मा है जिससे डी कंपनी कांपती थी। अपने करियर में करीब करीब 113 एनकाउंटर्स प्रदीप शर्मा ने किए हुए थे। उनकी तालीम में दया नायक खुद को तैयार करने लगा। 1997 में पुलिस को एक खबर मिली थी कि छोटा शकील गैंग का एक खतरनाक गुंडा सादिक कालिया दादर फूल मंडी के अंदर आने वाला है। प्रदीप शर्मा ने उसे पकड़ने के लिए दया नायक को भेजा। नायक और उसके दूसरे पुलिस साथी दादर फूल मंडी के ब्रिज के नीचे सादिक कालिया का इंतजार कर रहे थे। करीब 2 घंटे बाद नायक को सादिक कालिया दिखाई दिया। सादिक कालिया को अंडरवर्ल्ड में किलिंग मशीन के नाम से बुलाया जाता था। वो बहुत ही खूंखार था, क्रूर था और शरीर से बहुत ही मजबूत था। करीब करीब 6 फुट लंबे सादिक कालिया का भाईगिरी का सफर
आगरी पाड़ा की गलियों से शुरू हुआ था। पहले उसने गवली गैंग में काम किया और बाद में वो छोटा शकील के गैंग के अंदर शिफ्ट हो गया। अरुण गवली के खास आदमी जितेंद्र दाबोलकर को भी उसी ने मारा था। जैसे ही सादिक कालिया दादर फूल मंडी में आया, पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा। दादर फूल मंडी का इलाका एक भीड़भाड़ वाला इलाका है, वो हमेशा लोगों से भरा हुआ होता है। लोगों को दूर करने में कई पुलिस वाले दया नायक की टीम से बिजी थे। दया नायक नहीं चाहता था कि वहां पे किसी भी प्रकार की फायरिंग हो, क्योंकि कई लोगों की जाने जा सकती थी। नायक ने जब सरेंडर करने को कहा, तब सादिक ब्रिज की वॉल के पीछे छुप गया और वहीं से उसे आवाज लगाने लगा, चुनौतियां देने लगा कि अगर हिम्मत है तो वो उसे वहां आके पकड़े। पुलिस की टीम स्टैंड बाय पे थी, लेकिन कोई भी सादिक के ऊपर फायरिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि सिर्फ फायरिंग की आवाज से ही वहां पे इतनी भगदड़ मच जाती कि कई लोग मारे जाते। सिचुएशन को भांपते हुए दया नायक ब्रिज के पीछे से होकर सादिक के पास जा पहुंचा। यह बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव था। अगर सादिक को जरा सी भी भनक लगती तो दया नायक के चीथड़े उड़ जाते, लेकिन अपने जान की परवाह किए बगैर दया नायक सादिक के पास पहुंच गए। सादिक के हाथों में पिस्तौल थी, वो कुछ कर पाता उसके पहले ही दया नायक सादिक के ऊपर झपट पड़ा। सादिक के हाथ की पिस्तौल नीचे गिर गई। एक तरफ 6 फुट का तंदुरुस्त सादिक तो दूसरी तरफ पहलवानों वाली बॉडी वाला दया नायक, दोनों एक दूसरे के टक्कर के थे। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। ये मुंबई के इतिहास का पहला ऐसा एनकाउंटर था जिसके अंदर पुलिस और गुंडे के बीच में हाथापाई इतने करीब से होती हो, और वो भी सैकड़ों लोगों के सामने। दया नायक के होटल के दिनों में की हुई कसरत आज काम आई थी। दोनों पहलवान एक दूसरे को मात दे रहे थे। मामला इतना करीबी था कि कोई पुलिस वाला गोली भी नहीं चला पा रहा था। कभी नायक हावी हो जाता था तो कभी सादिक हावी हो जाता था। आखिर में सादिक ने दया नायक को जोर से जमीन के ऊपर पटका और अपनी दूसरी रिवॉल्वर निकाल के उसने दया नायक के ऊपर करीबी से निशाना साधा और गोली चलाई। गोली सीधे जाकर दया नायक की जांघ में घुस गई थी। उसका खून बहने लगा था और दर्द के मारे दया नायक चीख रहा था। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी दया नायक ने अपना होश नहीं खोया था। अगले ही पल उसने लात मारकर सादिक के हाथ की पिस्तौल नीचे गिरा दी और वो अपनी पिस्तौल लेने के लिए दूर भागा। यहाँ सादिक भी अपनी गिरी हुई पिस्तौल लेने के लिए झपटा, लेकिन उसी सेकंड बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने और दया नायक ने सादिक के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू किया। छुपने की कोई जगह नहीं थी। कुछ ही सेकंड के अंदर सादिक जमीन के ऊपर गिर चुका था। पूरे फूल बाजार में सादिक का खून बह रहा था। पोस्टमार्टम के अंदर सादिक के बदन से 26 गोलियां निकाली गई। अगले कुछ सालों में दया नायक ने डी कंपनी और गवली गैंग के करीब करीब 83 गैंगस्टर्स को मार गिराया। उसकी काबिलियत से कई पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार्स उसके फैन हो चुके थे। येन्ने होल जैसे छोटे गांव का लड़का अब मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन चुका था। प्रसिद्धि और वाहवाही के शिखर पे होने के बावजूद भी दया नायक कभी भी अपने गाँव को भूला नहीं था। उसने अपने गाँव में अपने माँ के नाम से एक स्कूल बनवाया। राधा नायक एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई और उसके अंदर कई बॉलीवुड सितारों ने, सेलिब्रिटीज ने अपना डोनेशन दिया और उस पैसे से उसके गांव में एक स्कूल बनाया गया। सन 2000 में उसके स्कूल का उद्घाटन करने वहां पे खुद अमिताभ बच्चन पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन के हाथों स्कूल का उद्घाटन हुआ। वहां पे कई सितारे मौजूद थे, जैसे कि MF हुसैन, आफ्ताब शिवदासानी, सुनील शेट्टी और बाकी कई सितारे वहां पे मौजूद थे। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और कामयाबी देखकर उन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए थे। उन्हें करीब 3 बार सस्पेंड किया गया था। कई दिन उन्हें जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन सारे केसेस सबूत ना होने की वजह से खारिज किए गए थे। ड्यूटी में वापस आने के बाद करीब 3 साल उन्होंने महाराष्ट्र ATS में काम किया और उसके बाद 28 मार्च 2023 को उन्हें मुंबई पुलिस में वापस लिया गया। मई 2023 में दया नायक को मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 के अंदर पोस्ट किया गया है। तो ये थी एक छोटे गांव के लड़के की इंस्पिरेशनल स्टोरी। अगर आपको दया नायक की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपके सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।